आइए बच्चों, हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट में चलते हैं। वन का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है ये। देखिए बच्चों, यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है, आइए हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसके क्या कौन से सॉल्यूशन निकलते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बच्चों, एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सेवन इक्वल जीरो, और थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फिफ्टीन इक्वल जीरो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए मैं इसको लिख लेता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, और नीचे भी ए ऐसी इक्वेशन लिख लेते हैं, बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो। ऊपर वाले को मैं वन बी वन सी वन ऐसे मान लेते हैं, नीचे वाले ए टू बी टू और सी टू ऐसे मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। देखिए कौन से सॉल्यूशन इसके निकलते हैं। अब देखिए ऊपर एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा हो तो वन है, तो हम लिख सकते हैं ए वन बाई ए टू कितना है, वन बाई थ्री। ठीक है बच्चों, फिर लिखे बी वन बाई बी टू, और बी वन में क्या माइनस थ्री, और यहाँ पर है माइनस थ्री। ठीक है, अच्छा सी वन का लिख लेते हैं, सी वन बाई सी टू ये लिख लेते हैं, तो माइनस सेवन और माइनस फिफ्टीन। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर मैं इसको काट भी दूँ तो वन बाई थ्री के इक्वल नहीं आएगा। थ्री बाई थ्री अगर एम ऐसे भी देखें तो थ्री बाई थ्री, थ्री से थ्री काट देते तो वन आ गया केवल, लेकिन यहाँ पर वन बाई थ्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए वन बाई ए टू इक्वल नहीं है बी वन बाई बी टू के। ठीक है बच्चों, इस कंडीशन में क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इक्वेशन इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन है। और देखिए आगे भी लिख देता, टू फाइंड सॉल्यूशन ठीक है, वी विल यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मेथड ठीक है बच्चों, हम इसमें वही यूज करने वाले हैं जो मेथड हमने उसमें किया था, वही इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, आइए तो सबसे पहले देखिए मैं एक्स वाई और वन लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बताया था, बी वन से शुरू होता है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं ए वन ए टू, और फिर बी वन बाई बी टू पर ये ख़त्म होता है। तो ठीक है बच्चों, और हम क्या करते हैं, ऐसे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार। ठीक है, ऐसे तो आइए मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। अब मैं बी वन बाई बी टू लिख दूँ, बी वन बाई बी टू क्या माइनस थ्री माइनस थ्री। ठीक है, और यहाँ पर है सी वन बाई सी टू, सी वन बाई सी टू क्या है माइनस सेवन बाई माइनस फिफ्टीन। फिर लिखा ए वन बाई ए टू, ए वन बाई ए टू क्या है वन बाई थ्री। ठीक है, फिर लिखा है बी वन बाई बी टू, बी वन बाई बी टू क्या है माइनस थ्री और माइनस थ्री। ठीक है, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। ठीक है बच्चों, ये निशान आप लगा लेंगे तो बड़ा ईजी हो जाता है करने के लिए, और मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ जो तरीका ईजी है। ठीक है बच्चों, इससे कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। देखिए आगे हम इसको, अब मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार फिर, और इसके नीचे मैं ऐसे डिवाइड का साइन लगा लेता हूँ। ठीक है, ये इक्वल समझ लीजिए। अब एक्स को देखिए, 15 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, तो 15 थ्री जाए कितना होता है 45 होता है, माइनस माइनस प्लस प्लस 45, ये माइनस का साइन जरूर लगाना बीच में। ठीक है, 7 को 3 से करें, 7 थ्री जाए कितना होता है 21, और माइनस माइनस प्लस ठीक है प्लस 21। अच्छा ठीक है, अब इसके वाई के लिए 7 थ्री जा माइनस 21, ठीक है ये माइनस प्लस माइनस, और 15 वन जा 15, यहाँ पे माइनस का साइन लाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं ये ऐसे ऐसे। ठीक है, और 3 वन जा 3, और माइनस का साइन 3 थ्री जा 9, ठीक है माइनस 9 ऐसे। ठीक है बच्चों, आइए माइनस कर देता हूँ इसमें से, देखिए माइनस कीजिए कितना आएगा 24 आएगा, बड़े नंबर के सामने कोई साइन नहीं वही लगा देते हैं वाई। और ये देखिए 21 आ गया ना 21, और ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 21 में से 15 माइनस कर दीजिए 6 आएगा, और बड़े नंबर के सामने माइनस का इसलिए माइनस का आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये माइनस 3 और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, तो प्लस और माइनस माइनस प्लस माइनस होते हैं, 9 में से 3 माइनस कर दीजिए 6
ठीक है बच्चों, इस प्रकार समझ में आ गया। आइए अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूँ, एक बार हम दोनों इन ये लिखेंगे ठीक है, और फिर इन दोनों को लिखेंगे ठीक है। आप देखिए बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ठीक है। वाई की वैल्यू -6 और 1/6, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x = 24 को इधर 6 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा ऐसे, तो x की वैल्यू आ गई 4 ठीक है बच्चों। अब y की वैल्यू निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई 6y और माइनस प्लस, ये माइनस होगा और 6 बन जाए 6, -6 आ गया। y की वैल्यू निकाल रहे हैं -6, इधर 6 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आ गया ठीक है बच्चों, ये ऐसे आ गया तो 6 बन जाए 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, ये माइनस का साइन इधर आ गया। तो मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ, x की वैल्यू तो आई है 4 और y की वैल्यू आई है -1। तो बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व हो गया ठीक है, इसके सोल्यूशन निकल गए। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, वीडियो पसंद आया, तो बच्चों प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ठीक है बच्चों। और यदि आपको और वीडियो चाहिए तो आप YouTube पर जाकर चलो कदम बढ़ाए चैनल पर आप सर्च करेंगे तो मेरी सभी वीडियो मिल जाएंगी ठीक है बच्चों। और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं, मेरी ये कामना है और सलाह भी है कि आप जब दूसरे बच्चों को सिखाते तो इसमें एक तरीके से आपका भी फ़ायदा होता है ठीक है बच्चों। गरीब बच्चों को जरूर सिखाएं, उनको साथ लेके चले, चलो कदम बढ़ाएं, देश को उन्नत बनाएं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।